वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज मैं संडे था और सबको चिकन खाने में मन था घर में, तो मैंने सोचा कुछ आज चिकन ही बना लिया जाए। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ चिकन बनाने, सो मैं तो वेजिटेरियन हूँ बट मैं चिकन बनाऊंगी, बट मेरी मम्मा धो के देगी तब मैं बनाऊंगी, मैं उसको छूंगी नहीं, बाकी सब चीज़ मैं बनाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पानी में हम चिकन को वॉश कर लेंगे, देन उसके बाद हम ये कुछ प्याज है 4 से 5 प्याज लेके इसको हमने चॉप करके रख लिया है। पेस्ट बनाने के लिए कुछ गरम मसाले लिए, लहसुन अदरक जीरा इलायची लौंग दालचीनी, ये सब मैंने गरम मसाले ले लिए जिसका मैं पेस्ट रेडी करूँगी। एक मैंने इसको मिक्सर ग्राइंड में डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़े से कुछ हरी मिर्च वगैरह भी डाल दूँगी, तो मैंने ये 4 से 5 हरी मिर्ची ले ली है। अब मैं इसको भी मिक्सर जार में डाल दूँगी, देन मैं मिक्सर मशीन में इसको पीस के पेस्ट रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स मैंने अब कढ़ाई चढ़ा दी है, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, देन मेरा ऑयल गर्म हो रहा है, तो मैं अब इसमें वो डाल तेज़पत्ता डाला है मैंने हल्का सा, और प्याज डाला है मैंने। मैं प्याज को तेज़पत्ते को दोनों को अच्छे से भूनूंगी, थोड़े देर में मैं इसको ऐसे भूनते रहूँगी, देन मैं इसको भून रेड होने तक अभी ऐसे भूनते रहूँगी। अब हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा पक चुका है, ये मेरा रेड सा हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं मेरा प्याज पक चुका है। अब मैं इसमें चिकन डालूंगी, चिकन मैं सारे चिकन को डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी। ये जब भूनूँगी तब तक इसको पकाऊँगी अच्छे से, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकाने के लिए छोड़ दूँगी। इसमें मैं लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया था हम वो डाल देंगे पहले, और फिर इसको पकने के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। देन अब ये हमारा हल्का का पक जाएगा, तो इसमें हम ये सारे मसाले डालेंगे। पहले धनिया पाउडर डाला हमने, फिर नमक डाला है स्वाद अनुसार जितना आपको पसंद हो, फिर हल्दी डाला है, फिर हमने ये लाल मिर्ची पाउडर डाला है, ज़्यादा तीखा ना हो इस वजह से हम थोड़ा कम डालेंगे। ये घर में थोड़ा कम तीखा खाते थे तो मैंने इसलिए कम डाला। कलर के लिए देगी मिर्ची पाउडर डालूँगी, एंड टेस्ट के लिए मीट का मसाला डालूँगी। हमने सारे मसाले डाल दिए, अब फ्रेंड्स मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। आप सब देख सकते हो ये मेरा मसाला खुद ही पानी छोड़ रहा है, मैं इसमें बहुत ही कम मात्रा में पानी का उपयोग करूंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। घर में सबको ग्रेवीदार कम वाला ही पसंद है, तो मैंने पानी नहीं डाला। आप सब देख सकते हैं ये कितना यम्मी और क्रिस्पी सा लग रहा है देखने में। ये मेरा पक के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखा। आप देख सकते हैं इसे मैंने ऊपर से धनिया पत्ता डाला है, कितना यम्मी लग रहा है। थैंक्स यू फ्रेंड, वॉच माय वीडियो, लाइक शेयर कमेंट।